हाय गाइस, आज का वीडियो पूरा देखना क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके WhatsApp पे OTP नहीं आता है, आपका WhatsApp वेरिफिकेशन प्रॉब्लम है या फिर आपका WhatsApp बैंड हो गया है। तो दोस्तों, आप इसे अनबैंड कैसे करेंगे या फिर आपके WhatsApp पे जो OTP नहीं आ रहा है या फिर आपको बार बार टाइमिंग दिखा रहा है जैसे 2 आवर्स या फिर 5 आवर्स यानी 5 घंटे 6 घंटे बाद आप पे OTP आने का जो मैसेज आता है। और OTP नहीं आने का एक सबसे प्रमुख कारण बताऊंगा जो आप जल्दी से ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये वीडियो 2 मिनट देख लीजिए तो आपके WhatsApp से रिलेटेड सारे क्वेरीज का सॉर्ट आउट मैं इस वीडियो में कर दूंगा। दोस्तों, आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन को प्रेस कर देना और दोस्तों नीचे में कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ये करना कि अभी आप किस टेलीकॉम कंपनी का 4G सिम यूज करते हैं, सपोज दैट एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, BSNL या फिर जियो। दोस्तों, मैं आपको बात कर लेता हूं कि WhatsApp पे जो वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम आप लोग का आने में देरी होता है, दो मैं आपको प्रमुख रीज़न बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको WhatsApp बैंड का प्रमुख रीज़न बताता हूं। दोस्तों, आप लोग WhatsApp यूज़ करते हैं, WhatsApp में बहुत सारे सिक्योरिटी पैचेस दिए रहते हैं। अभी दोस्तों आपको पता है कि WhatsApp में पेमेंट का भी यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, तो ऐसे में WhatsApp काफ़ी सिक्योर रखना चाहता है अपना एप्लीकेशन को। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन का लिंक या फिर कोई भी तरह का मैसेज जो कि इलीगल है, तो WhatsApp दोस्तों इसे जो बार बार रीड करती है इसकी मशीन लर्निंग, आप मैसेज को बार बार 10 ग्रुप में, 5 ग्रुप में या 10-15 लोगों को एक ही मैसेज फॉरवर्ड करोगे लिंक वाला, जैसे एप्लीकेशन का लिंक, तो आपका WhatsApp जो है बैंड कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका WhatsApp बैंड कर दिया जाएगा। और WhatsApp सपोर्ट में जाके आपको क्या मैसेज करने हैं तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ हूँ, तो ये वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा दोस्तों, वो आप लोग जरूर से चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, ऑनलाइन अर्निंग के लिए 500 रुपये तक का रेफर बोनस मिलेगा दोस्तों, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फोन पे जरूर से चेक कर लेना। दोस्तों, मैं आपको अब बताता हूँ कि WhatsApp वेरिफिकेशन प्रॉब्लम जो है ये आपका OTP कैसे आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपका एक सबसे प्रमुख कारण, आपका WhatsApp पे जो वेरिफिकेशन कोड नहीं आता है, आपका WhatsApp बिना बैंड हुए वेरिफिकेशन कोड नहीं आता है, इसका सबसे प्रमुख कारण है आपके जो नंबर से आप WhatsApp बनाए हो उस पर आपको रिचार्ज नहीं होगा। यदि रिचार्ज नहीं होगा तो आप जरूर से एयरटेल का या फिर VI टेलीकॉम या वोडाफोन आइडिया का यूज़ करते हैं सिम कार्ड या BSNL का, तो इन सब में आपको 49 रुपये का, 35 रुपये का रिचार्ज आ जाएगा। वहीं जियो का यूज करते हैं तो दोस्तों जियो पे तो OTP आ जाता है विदाउट रिचार्ज के भी। वैसे जियो का आप चेक कर लेना, आप किसी नंबर से मैसेज करके कि आपके नंबर पे OTP मैसेज आ रहा है या नहीं, तो ऐसे में आपका OTP आएगा WhatsApp का, ठीक है। और यदि वहाँ पे टाइमिंग शो कर रहा है 7 घंटे का 4 घंटे का 2 घंटे का, जैसा कि स्क्रीन पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, एक नंबर है मेरा, आपके प्रियजन, आपके फ्रेंड, आपके मित्र क्या करते हैं, कई बार आपके WhatsApp नंबर को अपने WhatsApp में डाल के आपको परेशान करते हैं, जैसे में कि आपका WhatsApp पे घंटे चलने लगते हैं कि 7 घंटे के बाद 5 घंटे के बाद। यदि 4 बार 5 बार OTP आता है और आप अपने WhatsApp नहीं डालते हैं तो आपका टाइमिंग बढ़ जाता है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको वेट करना है 2 घंटे का 3 घंटे का 4 घंटे का, फिर भी WhatsApp पे मैसेज नहीं आए तो दोस्तों आपको क्या करना है, ठीक है, आपको अपने WhatsApp में जाना है या फिर आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ऐप सेटिंग में जाना है, वहाँ पे दोस्तों आपको फोर्स स्टॉप करना है अपने WhatsApp को। फोर्स स्टॉप करने के बाद दोस्तों हो सके तो WhatsApp को आप अनइंस्टॉल कर दे, ठीक है, फिर से आपको WhatsApp को इंस्टॉल करना है। और जो टाइमिंग आपको शो किया था 2 घंटे का या 5 घंटे का, उस टाइमिंग पे आपको WhatsApp फिर से इंस्टॉल करना है लेटेस्ट वर्जन Google Play Store से। और दोस्तों आपको वहाँ पे जो है अपना सेम नंबर से उस पर रिचार्ज करवा के सेम नंबर से आपको WhatsApp को लॉग इन करना है, आपका जो है तुरंत से आपका OTP आ जाएगा और WhatsApp वेरीफाई हो जाएगा। होने के बाद दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगेगा प्लीज़ से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, शेयर कर देना, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ या नहीं हुआ प्लीज़ से इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बता ही देना। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।